हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। चीन से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चीन में भूकंप से भारी तबाही मची है। भूकंप की वजह से कम से कम यहां 86 लोगों की मौत हो गई है। चीन के गांसू प्रांत में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। खबरों के मुताबिक सोमवार रात 11:59 पर उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा तेज रही कि कई इमारतें यहाँ पर ध्वस्त हो गयी। विपक्ष के पीएम उम्मीदवार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला लोकसभा चुनाव के बाद लिया जाएगा। तो शुरू से ये कहा जा रहा था कि INDIA गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन है पीएम पद का उम्मीदवार। और बड़ी खबर यह कि आज विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक आज दोपहर 3 बजे होनी है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग, ज्वाइंट कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर चर्चा करना है। गठबंधन की यह चौथी बैठक होने वाली है। कांग्रेस के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कुल 27 राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से हेमंत सोरेन इस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। और वही विपक्षी गठबंधन की यह बैठक दिल्ली में हो रही है। आपको बताएं, ये बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे आज होनी है। विपक्षी गठबंधन की ये चौथी और बेहद अहम बैठक है। इस बैठक में 27 विपक्षी दलों के बीच आज मंथन होना है। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जो सबसे जरूरी मुद्दा रहने वाला है वो है सीट शेयरिंग का। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं रहने वाले, ये बताया जा रहा है। उनका कुछ सरकारी कार्यक्रम है जिसकी वजह से वो बैठक में नहीं आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, आज संसद में एक बार फिर से हंगामा हो सकता है क्योंकि संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले में विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्पीकर के लाख मना करने के बावजूद हंगामा करने पर विपक्षी दल के सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हो रही है। अब तक सत्र में 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। कल संसद में कार्रवाई के दौरान हंगामा करने पर लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। राज्यसभा से 45, लोकसभा से 33 सांसदों को कल सस्पेंड किया गया है।